नागदा से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। विशाल मेगा मार्ट पर कार्रवाई, शिकायतों मिलने पर बीती रात काटा प्रशासन ने 5,000 का चालान। नागदा में बने विशाल मेगा मार्ट पर बीती रात प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 5,000 रुपए का चालान काट दिया। हम आपको बता दें, कोरोना महामारी के चलते प्रशासन ने रात 8 बजे बाजारों को बंद करने की अनुमति प्रदान कर रखी है, परंतु विशाल मेगा मार्ट द्वारा सारे नियमों को ताक पर रखकर करीब रात 10 बजे तक विशाल मेगा मार्ट को चालू रखे हुए थे, जिस पर नायब तहसीलदार सलोनी पटवा ने रात को अचानक विशाल मेगा मार्ट पहुंची और नियम तोड़ने पर सलोनी ने चालानी कार्रवाई की। और हम आपको बता दें कि निगम के विरुद्ध कार्य करने पर विशाल मेगा मार्ट का नाम सामने आया था और मामला न्यायालय पहुंचा। नागदा से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। सागर राहतगढ़ से हमारे संवाददाता सलमान कुरैसी की रिपोर्ट। रामशिला यात्रा। मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और उपचुनाव सुर्खी विधानसभा में भी होना है, जिसके चलते राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह द्वारा सुर्खी विधानसभा के अनेक गांव में रामशिला यात्रा निकाली जा रही है। आज सागर जिले के राहतगढ़ में विभिन्न बारों में रामशिला यात्रा निकाली गई, जिसमें जगह जगह पुष्प बरसा कर स्वागत किया गया। गाजे बाजे डीजे के साथ रामशिला यात्रा निकाली गई। अरविंद सिंह टिक्कू राजा ने बताया, रामशिला यात्रा सुर्खी विधानसभा के विभिन्न गांवों में रामशिला यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें जो भी दान पत्र आएगा वह अयोध्या राम मंदिर में लगाया जाएगा। रामशिला यात्रा में पुलिस बल तैनात रहे, बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व राम भक्त शामिल हुए। राहतगढ़ से हमारे संवाददाता सलमान कुरैसी की रिपोर्ट। नागदा से हमारे संवाददाता संजय शर्मा की रिपोर्ट। जेल बागली। जिला देवास से 2 कैदी फरार, जेल अधिकारियों में मचा हड़कंप। उज्जैन सर्कल की जेल जिला देवास सब जेल बागली से 2 कैदी फरार हो गए। मामले की सूचना जैसे ही जेल अधिकारियों को लगी तो संभाग स्तरीय पुलिस प्रशासन में मच गया हड़कंप। उज्जैन सर्कल की जेल से 2 कुख्यात अपराधी दीवार फांदकर फरार होने के बाद संभागीय स्तर पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। इस मामले में कैदियों की तलाश शुरू कर दी। दरअसल ये दोनों कैदियों ने फिल्मी स्टाइल में घटना को अंजाम दिया। कैदियों ने कंबल के धागे से रस्सी बनाई और दीवार के सहारे दोनों भागने में सफल हुए। दोनों बदमाशों में जेल प्रशासन से फोटो जारी कर मामले को संज्ञान लेकर दोनों कुख्यात कैदियों की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। छतरपुर से हमारे संवाददाता किशोरी श्रीवास की रिपोर्ट। रेलवे बोर्ड ने खजुराहो टीकमगढ़ क्षेत्र की जनता को एक नई सौगात दी। लोगों को दिल्ली जाना हुआ आसान। खजुराहो के रेलवे बोर्ड ने एक नई सौगात दी है, जो 12 सितंबर के शाम को उद्घाटन किया गया है और रेलगाड़ी को रवाना किया गया, जो क्षेत्र की जनता में खुशी की लहर है। भाजपा के पूर्व अनुसूचित जाति मोर्चा जिला उपाध्यक्ष मनीष खटीक ने लिखित रूप से ज्ञापन दिया था, जिसमें उल्लेख किया गया था खजुराहो स्टेशन से जो पर्यटक स्थल है, जहां से रोजाना हजारों लोगों का खजुराहो से दिल्ली ग्वालियर आना जाना बना रहता है, लेकिन केवल दिल्ली तक जाने के लिए एक ही ट्रेन है और आने जाने वालों की संख्या अधिक होने की सामान्य श्रेणी के डिब्बों में अफरा तफरी मची रहती है, जिससे सवारियों की बड़ी संख्या में परेशानी होती है। खटीक ने रेलवे बोर्ड के साथ खजुराहो सांसद बीडी शर्मा एवं टीकमगढ़ सांसद बीरेंद्र खटीक के महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह ट्रेन चलाई गई जो हमारे क्षेत्र छतरपुर टीकमगढ़।